सो हे वेलकम बैक, आई आदित्य एंड यूर आदित्य सीओपी। सो फाइनल ये रहा मार्क्स परसेंटाइल का वीडियो आपके लिए। आप 25 से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट आपको कहाँ तक करना है, कहाँ तक जाना है कि कुछ भी आइडिया नहीं। आप डायरेक्टली लाइक ब्लाइंडली तो नहीं खेल सकते, राइट? तो आपको इस वीडियो में बताने वाले को आपको कितना परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कितने होने वाले, सो दैट आप उतने मार्क्स अचीव कर लेंगे तो आपका उतना परसेंटाइल स्कोर बनेगा, ठीक है? ये जो डेटा है आपको MHCET 2023 के रेफरेंस से देने वाला हूँ। उससे पहले हाउ मार्क्स वर्सेस पर्सनल वैरीज, ठीक है? आपके मार्क्स और पर्सनल में रिलेशन क्या रहता है, वो लाइक कैसे डिफाइन करता है कि कितने मार्क्स पर कितने पर्सनल बनेंगे, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो बेसिकली होता है क्या है, जो मार्क्स वर्सेस पर्सनल रहता है वो बेसिकली आपके शिफ्ट टू शिफ्ट वैरी करता है, ठीक है? लाइक मान लो आपके कोई डिफिकल्ट शिफ्ट है, ठीक है? तो डिफिकल्ट शिफ्ट में होगा क्या कि आपके लाइक कम मार्क्स में भी अच्छे पर्सनल बन जाएंगे, और मान लो आपकी इजी शिफ्ट है तो आपके लाइक ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पर भी पर्सनल रिलेटिवली कम आएंगे, ठीक है? तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अभी लाइक मैं आपको तक बेसिक आइडिया दूंगा कि आपके मार्क्स वैसे पर्सनल मॉडरेट शिफ्ट के लिए इतने इतने हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आगे पीछे पकड़ना है कि मान लो आपके एग्जाम में इतने स्कोर बनता है तो आपको इतना पर्सनल बनेगा। TTO जो एग्जाम है वो एक दिन में दो टाइम लेते हैं, लाइक मॉर्निंग शिफ्ट रहता है और आफ्टरनून शिफ्ट रहता है, ठीक है? तो मॉर्निंग शिफ्ट में 3 आवर्स रहते हैं और आफ्टरनून शिफ्ट में 3 आवर्स रहते हैं। आपका कौन सा भी शिफ्ट आ सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और आपका शिफ्ट लाइक इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, ठीक है? बट वरी करने की बात क्यों नहीं, बिकॉज अगर शिफ्ट हार्ड आता है तो वो सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं आएगा, वो आपके जो शिफ्ट है इसमें जितने लोग एग्जाम अटेम्प करेंगे वो सभी के लिए हार्ड आएगा। मान लो आपका शिफ्ट ईजी आता है तो सिर्फ आपके लिए ईजी नहीं है, आपके शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो सभी के लिए ईजी आएगा। तो इसलिए वरी करने की बात नहीं, बिकॉज जो मार्क्स वर्सेस पर्सनल का रेशियो है वो आपके शिफ्ट के टॉपर के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उस शिप में अपेयर होने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग ये वैरी करता है, लाइक टॉपर के कितने मार्क्स आए और मीन स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर ही पूरा डेटा वैरी करता है, इसलिए आपको इसके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। बट उसके पहले इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर MHCET 2023 फॉर एग्जामिनेशन, तो आपके लिए मस्ट बाय कोर्स हमने लाया है, लाइक जो 20 ग्रैंड मॉक टेस्ट की सीरीज है हमने इसमें लॉन्च की है, प्लस फ्री मेंटरशिप इसमें रहने वाली है, ठीक है? मेंटरशिप में क्या इंक्लूड है, लाइक आपको पर्सनल मेंटरशिप देने वाले, 1-to-1 मेंटरशिप। आप प्रिपेयर कर रहे हो आपके जर्नी में तो आपको कोई भी हेल्प लगती है, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करूँ ये नहीं समझ रहा है, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं, बिकॉज मॉक टेस्ट सिर्फ देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने फ्री मेंटरशिप प्लस 20 मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने प्रोवाइड किया है। तो ये जो प्राइस है ये सिर्फ आपको मॉक टेस्ट की नहीं ले रहे हैं, ठीक है? आपको जो मेंटरशिप देने वाले हैं जो लाइक वो COEP के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनने पिछले साल MHCET का एग्जाम दिया है, उनके पास पूरा एक्सपीरियंस एग्जाम कैसा रहता है। COEP में मोस्टली ऐसे ही बच्चे हैं, वो स्कोर मोर देन 98 or 99% इन देयर MHCET एग्जामिनेशन। आपको वो मेंटर करने वाले आपके जर्नी के ड्यूरिंग, ठीक है? हमने ग्रुप बनाया, वहाँ पे हमने लाइक COEPs जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड किया है, वो आपको हेल्प करने वाले हैं उस ग्रुप में, और ऑन प्राइस वो आपको हेल्प करने वाले, ये 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम रहने वाला है। दैट्स वाई इसका प्राइस इतना है। आप अभी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, आपका भी 12th खत्म हो चुका है, राइट? तो आपने अब तक कोचिंग क्लास में या आपने अब तक कॉलेज या कोचिंग क्लास में लाखों रुपए भरे होंगे, राइट? बट अगर आप अपने सपने को कंपेयर कर रहे हो इस 699 rupees या फिर 899 rupees से, जेन्युइनली आपको लगता है इज इट वर्थ? क्योंकि इसकी गारंटी हम लोग ले रहे हैं कि आप अगर मेंटरशिप लेते हो तो आपका जरूर से उसका फायदा होने वाला है। बिकॉज होगा कैसे नहीं फायदा यार, आपके बड़े भाई बहन आपको हेल्प करने वाला है इस पूरे प्रोग्राम में, तो डेफिनेटली आपका फायदा होने वाला है इस प्रोग्राम में। इसलिए मैंने हर एक वीडियो में यही कहा कि इफ यू डेडिकेटेड MHCET एस्पिरेंट देन प्लीज बाय दिस कोर्स, इफ नॉट देन प्लीज डू नॉट बाय दिस कोर्स, बिकॉज डेडिकेटेड टीम है वो इसमें दिन रात स्पेंड कर रही है। तो अगर आप डेडिकेटेड एस्पिरेंट हो तभी इस कोर्स की तरफ जाइए। तो मॉक टेस्ट के बारे में और लाइक ये मॉक टेस्ट का पोर्टल है, आपको CBT मिलता है, जो जैसे ही लाइक एग्जैक्टली आपको जैसे CET का पोर्टल मिलता है वैसे आपको यहाँ पे मैंने डेमो के लिए आपको दिखाया टाइम वगैरह रहता है, और उसके बाद आपको डिटेल एनालिसिस भी मिलता है। जैसे आप टेस्ट सबमिट कर दोगे, जैसे ही आप टेस्ट सबमिट कर दोगे आपको यहाँ पे लाइक कितने क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, कितना आपको टाइम लगा, ये पूरा आपको डिटेल एनालिसिस में दे देगा अलॉन्ग विथ योर परसेंटाइल। तो हाँ, ये पूरा लाइक कोर्स का स्ट्रक्चर है जिसमें मैं पूरे मॉक टेस्ट का स्ट्रक्चर जिसमें मैं आपको हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं अलॉन्ग विद मेंटोरिंग सेशन, और साथ में हमने POIQs भी लॉन्च किए हैं MHCET के 2024-2023 तक के POIQs। तो इसमें भी हमारी अब तक 350+ एनरोलमेंट्स हुई है। तो लिंक ऑफ ऑल दिस कोर्सेज आई हैव गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से जाकर आके चेकआउट कर सकते हो। और बाकी ये आपका मार्क्स वर्सेस पर्सनल का मेन कंटेंट, ठीक है? तो मान लो आपके एग्जाम में लाइक 10+ मार्क्स आते हो तो आपके 30+ अकॉर्डिंग पर्सनल बन जाएंगे, 30-45 मार्क्स आते हो तो आपके 50+ पर्सनल बन सकते हैं, 50-60 मार्क्स पे आपके 65+ पर्सनल बन सकते हैं, 75-80 मार्क्स पे आपके 80+ पर्सनल बन सकते हैं, 90+ अगर आप मार्क्स स्कोर कर सकते अगर 90+ मार्क्स आप स्कोर करते हो तो आपके 90+ पर्सनल बनेंगे,
अगर आपका स्कोर 100+ जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में तो आपके परसेंटाइल 95+ जा सकते हैं। अगर आपका स्कोर 110+ मार्क्स का आता है देन आपका जो परसेंटाइल है वो 97+ परसेंटाइल बन जाएगा। अगर आपके मार्क्स 130+ जाते हैं सीईटी में तो आपका जो स्कोर है वो 98.5+ परसेंटाइल बन जाएगा। अगर आपके मार्क्स 145+ जाते हैं तो आप इजीली 99.5 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। सो यार दैट वाज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गो एंड हिट द लाइक बटन। और एक बात की ये जो स्कोर है ये मैंने लास्ट ईयर के मेरे सीटी के डेटा के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट तो नहीं रहेगा बट इसके अराउंड ही आपका जो मार्क्स से पसंद है वो रहने वाला है, ठीक है। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गो एंड हिट द लाइक बटन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में, आपको डाउट का आंसर देने का जरूर से ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।